सेकेंड पार्ट पे आप पढ़ेंगे आज आप इलास्टिक सिंकिंग यानी कि प्रत्यास्थ। इलास्टिक सिंकिंग क्या होता है बेटा? इलास्टिक बॉडी है टू द प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडीज क्या होती है? जैसे आपने एक स्प्रिंग को आपने स्क्रेच किया, स्क्रेच करने पर जैसे आपने छोड़ा वो अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगा बेटा। यही इलास्टिक सिंकिंग, इसमें बात जो फोर्स अप्लाई करते हैं नोन एज ए डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? ड्यू टू विच फोर्स चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी नोन एज ए डिफॉर्मिंग फोर्स। विच फोर्स चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी नोन एज ए डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी जो बल किसी वस्तु की आकृति और आकार को बदल दे उसे क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण इंजन कहते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा? व्हेन वी अप्लाई ए डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन ए बॉडी देन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच प्रॉपर्टी बॉडी रिगेन्स इट्स ओन स्टेज आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स नोन एज ए इलास्टिसिटी। भाई किसी बॉडी पर जब आप फोर्स अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप और साइज क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे यानी रिमूव करेंगे तो बॉडी अपनी ओन स्टेज में आ जाएगी। तो इसी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी के ड्यू टू ओन स्टेज में आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? इलास्टिसिटी बोलेंगे। तो इलास्टिसिटी क्लियर हो गया कि वैन वी अप्लाई ए डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन ए बॉडी देन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी रिगेन इज ओन स्टेज नोन एज ए इलास्टिक सिटी। तो ये बेटा आपका इलास्टिक सिटी। स्ट्रेस मतलब होता है, स्ट्रेस मतलब खिंचाव, लोग कहते हैं बहुत स्ट्रेस ले लिया है। स्ट्रेस मतलब होता है खिंचाव, टेंशन यानी खिंचाव। स्ट्रेस देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा आपने एक स्प्रिंग ली और इसको खींचना इधर शुरू कर दिया, क्या इसमें टेंशन डेवलप होगा? नहीं होगा, क्योंकि फोर्स जब कहीं हम एक साइड से अप्लाई करते हैं तो टेंशन डेवलप नहीं होता है यानी स्ट्रेस उसमें नहीं होता है। ऐसे आपने एक रॉड ले ली, इस रॉड पर आपने ये फोर्स अप्लाई कर दिया, जैसे इसमें अप्लाई किया तो इस रॉड को इधर खींच रहे हैं तो टेंशन डेवलप नहीं होगा। जैसे हम कोई खींच रहा है इस तरफ खींचे चले तो टेंशन डेवलप नहीं होगा यानी स्ट्रेस नहीं होगा। इसके लिए स्ट्रेस तभी डेवलप होता है बेटा, टेंशन तभी डेवलप होता है, स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब फोर्स दोनों साइड से अप्लाई हो रहा हो। फोर्स क्या होगा? दोनों साइड से अप्लाई हो रहा हो। जैसे आपके पास ये रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड को आपने क्या किया, यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब इस रॉड को जब आप खींचेंगे तो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि जब दीवार से ये फिक्स है तो दीवार भी इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा? डेवलप होगा। अब स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है ध्यान दीजिएगा, ये जैसे सपोज करिए एक रॉड है, आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया और इधर से फोर्स अप्लाई किया। अब जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स में फोर्स अप्लाई हुआ इस साइड और इस साइड दोनों पे, स्ट्रेस क्या हुआ? एफ डेवलप हुआ। अब स्ट्रेस डेवलप हुआ, स्ट्रेस क्या होता बेटा? ये कहाँ पर ये जो होता है आप देखते हैं एरिया, स्ट्रेस इक्वल टू होता है एफ अपॉन के। ये एरिया कौन सा है बेटा? इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर देन स्ट्रेस इक्वल टू एफ। और ये फोर्स कौन सा है बेटा? ये आपका होता है रीस्टोरिंग फोर्स होता है। क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि
जितना फोर्स आप अप्लाई करते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में अप्लाई होता है तो जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही उसके इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। जब फोर्स आप हटा लेते हैं बॉडी पर से तो इसी रीस्टोरिंग फोर्स के ड्यू ही बॉडी अपनी ओन स्टेज पर आ जाती है। ऐसे कोई व्यक्ति आपको इधर से खींचेगा इधर से खींचेगा तो आप क्या करेंगे, उसे छुड़ाने का प्रयास करेंगे, इस तरह से आपके बॉडी को खींचेंगे आप, ना कि खींचे चले जाएंगे। बात समझे ना, तो जैसे ही आप पर फोर्स अप्लाई हुआ उतना ही फोर्स आपका इंटरनल डेवलप हो गया, जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही आप रीस्टेज हो जाएंगे, यानी अपनी अवस्था में आ जाएंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन ए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया नोन एज ए क्या होता है, स्ट्रेस होता है। आप जैसे मान लीजिए ये नोन एज ए स्ट्रेस होता है, आप ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स आपने लगाया है, पहला है टाइप ऑफ स्ट्रेस का ट्रांजिशनल स्ट्रेस। ट्रांजिशनल स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन। आपने खींचा, जो खींचने पर होता है वो टेंजेशनल स्ट्रेस होता है, तो आपका टेंजेशनल स्ट्रेस है और ये वन डायमेंशन होता है। कैसा होता है, वन डायमेंशन में ही है। तो देखिए डायमेंशन एक ही है इसका, ये एक्स एक्सिस है, अगर सस्पेंड कर देंगे तो भी एक ही एक्सिस में होगा, तो ये आपका जो स्ट्रेस डेवलप होगा ये वन डायमेंशन है। क्या है, वन डायमेंशन है। अब मान लीजिएगा ये आपका ट्रांजिशनल स्ट्रेस हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसके बाद एक कंप्रेसिव स्ट्रेस, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रॉड है, मैंने इसको कंप्रेस किया इस तरह से, ये दोनों साइड से मैंने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, ऐसे जेस्टर लिया, मान लीजिए इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं। तो जब कंप्रेस करेंगे यानी दबा रहे हैं तो ये क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। पहला है टेंशनल स्ट्रेस, दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, यानी कि ये ध्यान रखिएगा कि रीस्टोरिंग फोर्स एट द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया नोन एज ए स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टेंशनल स्ट्रेस क्या होता है, टेंशनल स्ट्रेस क्या होता है, जब किसी बॉडी को आप खींचेंगे स्ट्रेच करेंगे तो ये टेंशनल स्ट्रेस होगा। दोनों तरह से फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया बेटा। अब मान लीजिएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, ये कोई बुलबुला है यानी कि बबल है आपका, इसके अंदर जब इस पर ऑल साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे, यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई करेंगे आप, तो यूनिफॉर्म पर ऑल साइड से यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई किया जाता है यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है। क्या होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है, और ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। इसमें थ्री डायमेंशन चेंज होगा, ये वन डायमेंशन है, ये बेटा थ्री डायमेंशन होगा। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो यह हाइड्रोलिक स्टैटिक स्ट्रेस जो होता है बेटा ये थ्री डायमेंशनल होता है, यानी तीनों एक्सेस में चेंज होगा, एक्स वाई जेड, यानी इसमें वॉल्यूम चेंज होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। फोर्थ है बेटा आपका शेयरिंग स्ट्रेस। इसको देखिएगा, आपने एक यहाँ पर प्लेन लिया जिसके वन इंच को आपने फिक्स कर लिया, और ये फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो इसका शेप बेटा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो गया, ए बी बी डैश सी एंड डी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये क्या है, टेंजेशनल, टेंजेशनल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। शेयर मतलब होता है छीनना, ठीक है ना, ये शेयरिंग स्ट्रेस हो गया, और शेयरिंग स्ट्रेस बराबर जो होता है आपका शेयरिंग स्ट्रेस होगा एक वस्तु है अपॉन ए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो शेयरिंग फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, आपका शेयरिंग स्ट्रेस होगा। क्या होगा बेटा, शेयरिंग स्ट्रेस होगा। इतनी बात समझ में आ गई, स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।
और ये ध्यान रखना स्ट्रेंथ तभी डेवलप होगा जब फोर्स बोथ साइड से होगा, दोनों साइड से होगा, यानी तब होगा, तभी स्ट्रेस आपका डेवलप होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहला स्ट्रेस क्या है, और एक बात और समझाना चाहें बेटा आपको, यहाँ पर पूछा जाता है प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है, यूनिट दोनों का सेम होता है। प्रेशर होता है बेटा एफ अपॉन के, स्ट्रेस होता है एफ अपॉन ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फार्मूला भी सेम। एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, द रेशियो दी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया नोन एज ए प्रेशर, यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो बाहरी बल लगाया जाता है वो क्या होता है, वो दाब होता है, एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई होता है, और ये फोर्स जो होता है ये आपका रीस्टोरिंग फोर्स, ये बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है। बात समझ में आई कि नहीं बेटा, ये जो होता है ये बॉडी के अंदर डेवलप होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है, क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है, और ये जो होता है एक्सटर्नल फोर्स होता है। प्रेशर में किसी को प्रेशर दे रहे हैं तो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ से लगा रहे हैं, बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा पर यूनिट एरिया पर जो कि आपका प्रेशर है, और ये इंटरनल बॉडी के अंदर डेवलप होता है, जब आप फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बॉडी के अंदर जो फोर्स अप्लाई होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो बेटा स्ट्रेस और प्रेशर दोनों में ये डिफरेंस होता है, बात समझ में आ गई। अगला टॉपिक है, आप मान लीजिएगा अगला टॉपिक है स्ट्रेन, ये क्या होता है देखिए, स्ट्रेन बेटा एक चीज समझिए, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, जैसे इसके पहले इलास्टिक लिमिट समझेंगे, यानी कि प्रत्यास्थता सीमा क्या होती है, इलास्टिक लिमिट यानी कि प्रत्यास्थता सीमा है क्या, कि किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करिए, मान लीजिए किसी स्ट्रेन खींचा आपने, छोड़ दिया आपने स्ट्रेन में आ गया, थोड़ा और स्ट्रेस किया रिमूव किया फोर्स आपने स्ट्रेस में आ गया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको उन स्ट्रेस में लौट करके रिमूव नहीं आएगा, उन स्ट्रेस में रिटर्न नहीं होगा, बैक नहीं होगा, तो वहाँ पर इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस जिससे रिमूव करने पर बॉडी अपनी ओन स्टेज में आ जाए उसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर मान लें किसी बॉडी की पर आपने फोर्स, मान लें ये भी कह सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू जिससे अगर फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी अपने ओन स्टेज में नहीं आती है उसे क्या बोलते हैं, उसी मैक्सिमम फोर्स को बोलेंगे आप इलास्टिक लिमिट यानी प्रत्यास्थता सीमा। बात समझ में आ गई। आप देखते हैं स्ट्रेन कैसे डेवलप होता है, मान लीजिएगा एक सिलिंड्रिकल रॉड, आपने इसको सस्पेंड कर दिया, ये लेंथ है बेटा कैपिटल और इसका डायामीटर है कैपिटल डी, जब इससे आप वेट लटकाओगे, वेट लटकाने पर क्या होगा, अगर इलास्टिक है तो इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये स्मॉल एल, और ये हो गया आपके पास, आपके पास ये आ गया बेटा, ये हो गया स्मॉल डी, ये क्या हो गया स्मॉल डी। जब आपने फोर्स अप्लाई किया विद इन इलास्टिक लिमिट तो देखिएगा,
जब किसी वायर कोई बहुत पतला वायर है तो खींचेंगे तो उसकी रेडियस चेंज होगी, रेडियस डिक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी। तो लेंथ की रिस्पेक्ट में रेडियस को आप निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन जहाँ पर रेडियस को निगलेक्ट नहीं कर सकते, डायमीटर निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आपके दो चेंजेज आएंगे, एक डायमीटर में आएगा और एक लेंथ में आएगा। तो देखिएगा ये जो पहला होता है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। क्या होता है? स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है बेटा? इसको अल्फा से आप क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन यानी विद इन इलास्टिक लिमिट द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ और इनिशियल लेंथ नोन एज ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और सेकेंड है स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। इसको इक्वेशन नंबर वन लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर टू लीजिए। विद इन इलास्टिक लिमिट चेंज इन डायमीटर एंड ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमीटर एंड ओरिजिनल डायमीटर नोन एज ए चेंज इन डायमीटर एंड ओरिजिनल डायमीटर नोन एज ए इलास्टिक नोन एज ए लैटरल लैटरल स्ट्रेन। अब देखिए अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो होता है बीटा अपॉन अल्फा, इसको सिग्मा बोलते हैं। और सिग्मा क्या होता है बेटा? ये पॉइसन रेशियो होता है। क्या होता है? ये पॉइसन रेशियो होता है। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नोन एज ए पॉइसन रेशियो, इसको हम पॉइसन रेशियो बोलते हैं बेटा। आप देखिएगा ये आपके पास एक बबल है, जब आपने इसको फोर्स चारों फोर्स अप्लाई किए यूनिफॉर्मली फोर हर साइड से आपने एक फोर्स अप्लाई किया, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन होगा। ये क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम नोन एज ए वॉल्यूम स्ट्रेन। फोर्थ होता है बेटा, ये दोनों जो है थ्री टाइप का स्ट्रेन होता है, ये दोनों एक साथ डेवलप होते हैं बेटा, और ये वॉल्यूम स्ट्रेन है, और थर्ड है शेयरिंग स्ट्रेन। ये लेंथ बेटा कैपिटल एल हो गई, ये स्मॉल एल हो गया, और ये हो गया फाई। तो यहाँ पे टेन फाइव इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, फाइव और माइन्यूट है तो फाइव इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। बेटा ये शेयरिंग स्ट्रेन आ गई, ये क्या आ गई? शेयरिंग स्ट्रेन आ गई। तो मैंने बताया इलास्टिसिटी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो बेटा इतनी बात क्लियर हो गई, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या है।